हेलो एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी किडनी को हेल्दी कैसे रखें। किडनी को हेल्दी रखने के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल पर थोड़ा ध्यान देना होगा। किडनी ही नहीं, पूरी शरीर को हेल्दी रखने के लिए हमें कुछ हैबिट्स को छोड़ने होंगे और कुछ नए हैबिट्स को अपनाने हो सकते हैं। चलिए हम उन सभी बातों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है ड्रिंक वाटर। जी हाँ, पानी पीने की हैबिट डाल दीजिए। पानी ही आपको किडनी की कई सारी डिजीज से बचा सकती है। आपकी किडनी अच्छे से फिल्ट्रेशन करे, इसके लिए उसे पानी की ज़रूरत होती है। अगर हम पानी नहीं पिए तो फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाती है। पानी की कमी के कारण ब्लड में मौजूद टॉक्सिन्स और दूसरी कई तरह की वेस्ट प्रोडक्ट्स फिल्ट्रेट नहीं हो पाती है, फिर वो सभी किडनी इन्फेक्शन, किडनी डैमेज और किडनी स्टोन कर सकती है। तो हमें पानी पीने की हैबिट रखनी चाहिए। कम से कम 8 ग्लास पानी जरूर पिए। ज़्यादा थूक पीने से कोई तकलीफ नहीं है। आप अपने क्लाइमेट के अनुसार तय करें कितना पानी चाहिए आपको। दूसरी है कंट्रोल योर ब्लड शुगर लेवल। ब्लड में ग्लूकोज की लेवल ज़्यादा होने से हमारी किडनी डैमेज हो सकती है। हमारी किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट में बहुत सारी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है जो फिल्ट्रेशन का काम करती है। ज़्यादा ग्लूकोज ब्लड में रहने से वह छोटी छोटी ब्लड वेसल को क्लॉग्ड कर उसे डैमेज कर देती है। ऐसा होने से वहाँ पर एल्ब्यूमिन प्रोटीन लीकेज होने लगती है जो कि यूरिन में आ जाती है और वो आनी नहीं चाहिए। तो इसीलिए आप ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल में रखें। आप सेल्फ भी चेक कर सकते हैं ग्लूकोमीटर की सहायता से। तीसरी है कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर किडनी के छोटी छोटी ब्लड वेसल्स को डैमेज करती है। जब ब्लड वेसल डैमेज होती है तब नेफ्रॉन जो कि ब्लड को फिल्टर करती है उसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन जो उसे फंक्शन करने के लिए चाहिए होती है वो उसे नहीं मिल पाती है। फिर धीरे धीरे अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर किडनीज की आर्टरीज को नैरो और हार्डन कर देती है और ये डैमेज आर्टरी इनफ ब्लड किडनी के टिश्यू तक नहीं पहुंचा पाती है। फिर किडनी फ्लूइड्स, हार्मोन्स, एसिड और साल्ट को फिल्टर नहीं कर पाती है। जैसे जैसे आर्टरीज ब्लॉक होती जाती है वैसे ही किडनी फंक्शन कम होती जाती है और बाद में किडनी फेल हो जाती है। किडनी की अच्छी हेल्थ के लिए ब्लड प्रेशर का कंट्रोल में रखना बहुत ही जरूरी है। चौथी है कंट्रोल योर वेट, कीप फिट, एक्सरसाइज रेगुलरली। किडनी को हेल्दी रखने के लिए वेट को कंट्रोल में रखना जरूरी है। हमारी ओबेसिटी हमें एक नहीं कई तरह की बीमारियां पैदा कर सकती है। मोटापा से हमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर होने के खतरे रहते हैं और ये सभी किडनी के फंक्शन को डैमेज करती है। इसीलिए आप अपने वेट को कंट्रोल में रखें, फिट रहें और एक्सरसाइज रेगुलरली करते रहें। पांचवी है अवॉइड पेन किलर्स, फील रेगुलरली। पेन किलर्स और कुछ एंटीबायोटिक्स भी हमारे अच्छी किडनी फंक्शन के लिए ठीक नहीं है। पेन किलर्स को लंबे समय तक ना लें, उसे अवॉइड करें। छठी है ईट फूड लोअर इन सॉल्ट। किडनी को हेल्दी रखने के लिए हमें नमक का प्रयोग कम करना चाहिए। नमक में सोडियम क्लोराइड है, सोडियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। इसके अत्यधिक सेवन से हाई ब्लड प्रेशर होता है और जो किडनी के लिए खतरनाक है। तो नमक का प्रयोग हमेशा कम करें खाने में, बाजार की बनी हुई हाई सॉल्टेड चीज़ों को अवॉइड करें। सातवीं है डोंट स्मोक और ड्रिंक टू मच अल्कोहल। स्मोकिंग को अवॉइड करनी चाहिए। स्मोकिंग किडनी कैंसर के रिस्क को 50% तक बढ़ा देती है और अल्कोहल, टू मच अल्कोहल लेने से अल्कोहल ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करती है और हाई ब्लड प्रेशर होता है। हाई ब्लड प्रेशर जो कि कॉमन कॉज है किडनी डिजीज का। आठवीं है मॉडरेट प्रोटीन कंजम्पशन। किडनी को हेल्दी रखने के लिए प्रोटीन का कंजम्पशन मॉडरेट करें। हाई प्रोटीन डाइट किडनी फंक्शन को कम करती है। नौवीं है मॉनिटर योर कोलेस्ट्रॉल लेवल। बढ़ी हुई कोलेस्ट्रॉल किडनी के लिए बहुत ही खतरनाक होती है।
जिनकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ी होती है उनको क्रोनिक किडनी डिजीज होने की दुगुनी खतरा बनी रहती है। कोलेस्ट्रॉल प्लैक रीनल आर्टरी को क्लॉग कर देती है। ऐसा होने से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है और किडनी फंक्शन में कमी होती जाती है। 10वीं है ईट बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट से हमें पूरी मात्रा में न्यूट्रिशन मिलती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। हेल्दी डाइट शरीर को एसेंशियल न्यूट्रिशन, फ्लूइड्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट और एडिक्वेट कैलोरी दे देती है। बैलेंस डाइट लेने से हमारे शरीर की ओवरऑल हेल्थ ठीक रहती है, इसलिए घर की बनी हुई ही चीज़ें लें, बाहर के फूड्स को अवॉइड करें। 11वीं है रेगुलर हेल्थ चेकअप। रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाने से हमें अर्ली स्टेज में डिजीज की पता लग जाती है, इसीलिए आप इसे अवॉइड ना करें, रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाते रहें।